टीचर्स और एक हेडमास्टर को मुअत्तल किया गया और आज पेरेंट्स मीटिंग भी थी, तो लड़कों के वालिदैन, तीनों लड़कों के वालिदैन ने आके यहाँ पर स्कूल के इंतजामिया से स्कूल के हालात सुधारने के लिए, स्कूल में जो है सो स्कूल में बदलाव लाने के लिए यहाँ पे उन्होंने बात रखी। तो स्कूल के इंतजामिया ने उन्हें यह तय फोन दिया कि वो जल्द अज जल्द स्कूल के हालात भी सुधार लेंगे, असातिज़ा को भी हिदायत करी, असातिज़ा को भी सख्ती से हिदायत करेंगे, और दूसरी बात उन्हें माली तौर पर सरकार की तरफ से इमदाद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जी मैडम, बच्चे टोटल स्कूल में कितने तलबा और तालिबात मिला? हमारे पास 229 तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। स्कूल की टाइमिंग में सुबह 9 बजे से शाम में 6 बजे तक। बीच में खाने के लिए क्या कितना है? 45 मिनट का दिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं कबीर इकबाल आज एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शायद आपको सबको याद होगा कि 8 वर्ष कबल शहर निज़ामाबाद के नागराम इलाके में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया था, जिसमें 3 मासूम बच्चे अजहर, अरबाज और शुएब तीनों एक मोहरम के गड़े में, पानी से भरा हुआ गड़ा था उसमें डूबने से उनकी मौत वाक़ हो गई थी। तो आज हम उन लड़कों के बारे में जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मेन मुद्दे पर आता हूँ, इलेक्शन करीब आ रहे हैं और इलेक्शन के मद्देनज़र कुछ सियासी पार्टियाँ इन लड़कों के वालिदैन से मिलकर वो लोग के ज़रिए अपने सियासी मफादात के लिए वो लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग से जाकर मिल रहे हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि उन्हें कोई किस्म की अभी तक मदद नहीं मिली है, सरकार से नहीं मिली और किसी और शख्स ने उनकी मदद नहीं की, बस उन्हें पुरसा दिया जा रहा है और उनके इस्तेहाल उनके जज्बातों से खिलवाड़ किया जा रहा है। बताने का मकसद यहाँ पर मेरा ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ खुले अल्फाज में अगर कहूँ तो उन लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो लोग को बताया जा रहा है कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, हम आपके साथ फलां कर देंगे। कुछ सियासी पार्टियां हैं, मैं खुद उन लोग के साथ एक 2-4 दौरे कर चुका हूं, 2 दौरे मेरे भी हुए हैं उनके घर पे। जिस दिन ये हादसा पेश आया था मैं उस दिन भी मौजूद था और उस दिन भी कुछ सियासी पार्टी वाले आकर जो है सो उन लोग को तसल्ली दे रहे थे और बदले में उनके जो नज़रिए हैं वो इलेक्शन के सामने वोट हासिल करने का एक तरफ से उनका एक चाल है। मैं इस शहर निज़ामबाद की आवाम से ये सवाल करता हूँ कि जो बच्चों की मौत वाकई हुई है,
पानी में डूबने से या स्कूल इंतजामिया की लापरवाही, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये मौदा माफिया की लापरवाही है या स्कूल इंतजामिया की, बहरहाल जो भी गलती हुई और लड़कों ने अपनी जान गंवा दी, और जो लड़कों के माँ बाप बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लड़कों के माँ बाप जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो वो दुख से गुजर रहे हैं, हम और आप वो दुख नहीं गुजर सकते और ना ही हम और आप उनकी तकलीफ को बांट सकते हैं। मगर यहाँ पर उनके उस दुख को सियासत के लिए फ़ायदे का सामान बनाना ये ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ पार्टियाँ जो है तो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको पुरसा दे रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा, मगर उनके लिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बहरहाल दौरे चल रहे हैं, तो मैं इस बात का प्रोग्राम या फिर छोटा सा प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात लड़कों की मौत वाकई कैसे हुई, और दूसरी बात इसमें जिम्मेदार कौन है। तो हमने ये स्कूल है, ये तीसरी क्लास आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरी क्लास से नीचे जहाँ पर दो थर्ड क्लास के स्टूडेंट, तीसरी जमात के स्टूडेंट थे, और वहाँ पर एक ऊपर एक क्लास है, ऊपर एक स्कूल में हम लोग अभी स्कूल में मौजूद हैं, ऊपर एक स्कूल में क्लास है यहाँ पर, जहाँ पर चौथी जमात का एक तालिबे इल्म था। ये तीनों मिलकर जुमा की नमाज के बाद, जुमा के दोपहर सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में थे। यहाँ पर जुमा की नमाज के लिए ये लोग रवाना हुए स्कूल से। इनके वालदेन का ये कहना है कि लड़के जब जो सो स्कूल में से निकले तो कुछ यहाँ पर मिड डे मील का प्रोग्राम भी होता है, तो मिड डे मील के प्रोग्राम के लिए खाना पूछा, खाने के लिए खाना ना देने की सूरत में वो लोग बाहर चले गए, खाना दी, खाना खाए चले गए। वो बच्चे भी थे, खाना खाए ग्राउंड में खेल रहे, अब हमारा काम हम कर रहे, वो बच्चे कब निकल गए नमाज को बोल के चले गए, आए नहीं मालूम हो। हाँ मेरे पास, मैं खुद खाना दी उन लोगों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिड डे मील के वर्कर है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चे खाना खा कर गए हैं नमाज के लिए, बाद नमाज के जो है सो हमारी जितनी ड्यूटी थी हम खाना खा के खाना खिला के बच्चों को, हमारा काम हम कर रहे थे, वो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, दरवाजा लगे वाला था, हम नमाज को बोल के जब निकले कते वो भी नहीं मालूम मेरे को, मेरी ड्यूटी में करके चलेगी जी। तो यहाँ के लोग और कुछ क्या बोल रहे, बोलते मेरे को निकालने की कोशिश, मेरी गलती नहीं है उसमें, पकवान वाले की कौन सी गलती रहती, जब पकवान में कुछ गलती है, मिस्टेक है तो निकाल सकते, पूरे गली वाले लीडरों को मिलकर मेरे को निकालने की कोशिश कर रहे। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे को भी बच्चे है, मैं कैसे जिंदगी गुजर, मेरे को तो गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं है, दूसरा काम नहीं आता मेरे को। तो यहाँ पर ये एक बात इनकी हमने सफाई इनकी भी सुन ली, दूसरी बात यहाँ पर ये मालूम हुई कि मोहल्ले के कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर करीब में एक पानी की टाकी है जहाँ पर बच्चों को 3 से 4 बजे के बीच में देखा गया। हम आपको टाकी भी बताएंगे, और मोहर्रम जहाँ से ये बच्चे यहाँ पर ये गिरे हैं वो जगह पर भी हम आपको लेके जाएंगे। इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात पेश हुए हैं, और एक 15-20 दिन खबर मैं जाता समझता हूँ, एक बुजुर्ग शख्स उसी गड्ढे में गिरकर उसकी भी मौत वाकई होगी। चलिए आपको मैं वहाँ का दौरा कराता हूँ। तो नादिन कराम, अब इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ से उन 3 लड़कों की नाशें दस्तयाब हुई। ये आप देख सकते हैं, अभी इस वक्त इसको कचरा फेंक कर जो है मचाने की कोशिश की गई ये जगह। ये जो पत्थर आपको नजर आ रहा है बड़ा था, ये बीच वाला पत्थर, ये पत्थर के ऊपरी लेवल तक पानी था, यहाँ पर ऊपरी लेवल तक पानी यहाँ पर पत्थर के ऊपरी लेवल तक था। और ये जो अतराफ का जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये पूरा मोहर्रम खोदने से हुआ, तो यहाँ पर मोहर्रम ले जाई गई है। ये हिस्सा ही नहीं बल्कि आप इधर अतराफ अपना भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे पूरे गड़े उसी में मोहर्रम की है यहाँ पे। और बच्चे आप देख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि उन्होंने पानी की टाकी पर भी देखने की बात कही, तो वो उस तरफ पानी की टाकी आप देख सकते हैं, जूम करके आपको बताया जाएगा, वो पानी की टाकी पर भी बच्चे 3 से 4 बजे के बीच में वहां पर मौजूद होने की यहाँ के अफराद ने बात कही। कुछ अफराद यहाँ से बोले कि बच्चे 3 से 4 बजे वहां पर देखने में भी आए। बहरहाल ये जो पानी का गड़ा है जहाँ से बच्चों की नाशें रस्ती हुई, यहाँ पर एक आराम से इलेक्ट्रिक पोल डूब सकता है, जो कि 20 फीट का होता है, आराम से डूब सकता है, इतना गहरा ये पानी का गड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसे जगहों को निशाना बनाते हैं मोहर्रम माफिया, जहाँ पर गरीब गुरबा और कम आबादी वाला इलाका, जो गरीब गुरबा लोग जो है मजदूरी करते हैं और निचले सतह की जिंदगी गुजारते, ऐसे लोगों को, वो बच्ची को ये लोग अपना निशाना बनाते हैं, सबसे बड़ी बात। और ये लोगों को अपना मोहर्रम ले जाने के लिए, अपने कारोबार करने के लिए MRO और आला अहदेदार वो लोग के परमिशन भी जो है मिलते हैं, मगर MRO जब परमिशन उनको देने से इनकार कर देता है तो ये बीच में लीडरों का भी सहारा लेते हैं।
एमआरओ का भी कई बार ऐसा हुआ है, सुनने में भी आया है बहुत बार कि एमआरओ ने फलाने जगह साइट की परमिशन नहीं दी मुहर्रम ले जाने के लिए, तो बीच में लीडर्स को ले जाकर वो लीडर्स के जरिए सिग्नेचर्स कराते हैं या कुछ हर रिक्वेस्ट कराकर अपनी काम निकाल लेते हैं। बहरहाल वो उनके मफाद के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को ऐसी मौत मरने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो अब हम इससे पहले यहाँ पर इसी इलाके में ये कोने पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक 60 साल के करीब एक आदमी एक 15 दिन के नीचे भी यहाँ पर मौत हुई है, 15 या 20 दिन हो रहा होगा, उसके 8-10 दिन के बाद ये वाकया पेश आया। अभी ये कचरा फेंकने की जगह बन गई है, अभी यहाँ पे कचरा फेंक कर ये गड़े को मुचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अतराफ में पूरे गरीब बस्ती है, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और बच्चों से भी, बच्चों के वालदैन से भी हम बात करेंगे जाकर। और इसी हादसे को सियासी रंग अपने इलेक्शन के करीब जो एरिया के लोकल लीडर्स, अलग अलग इलाकों के लीडर्स सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको वैसा करेंगे, आप जो है आपकी मदद करेंगे इस तरह से उस तरह से, मगर अभी तक कोई मदद के लिए उनके पास आ रहे हैं वो फिर, मगर कुछ मदद उनको हासिल नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मफाद के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, उन्हें वो वालदैन जो अपने बच्चों के गमों से अभी बाहर नहीं निकले, उनके यादों से भी बाहर नहीं निकले, बहरहाल हर कोई एक दिन या दो दिन के बाद उनके घर पहुंच जाता है उन्हें पुरसा देने के लिए, फिर बाद में जो है अपने मफादात के वादे, झूठे वादे बताकर उन्हें तकलीफ और ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि बल्दिया के आला अहदेदारों से, सरकार से, गवर्नमेंट सरकार से, कि ये जो मुहर्रम माफिया है सबसे पहले इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, क्योंकि मुहर्रम माफिया एक ऐसी चीज है, मैं जहां तक समझता हूँ एक लारी 2,500 या 3,000 रुपए में मुहर्रम लेकर जाती होगी, मगर उसके पीछे जो कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि उन लोगों लारी के लिए परमिशन होता है ले जाने के लिए, वो पेपर्स उनके पास नहीं रहते, यहाँ तक कि लॉरी को नंबर प्लेट भी सही नहीं रहती। मैं ट्रैफिक अहदेदारों से, बल्दिया के हर एक अहदेदार से, आला अफसर से, मैं सरकार से, खुसूसन तेलंगाना हुकूमत से इस बात की अपील करूंगा कि इस बारे में कार्रवाई करें और वो बच्चों को, बच्चों के वालदैन को इंसाफ दिलाए। हम उन लोग से भी जाकर बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए गड़ा है बड़ा, कैमरा तो घुमा देखिए बड़ा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है सो मुहर्रम लग जाने से खोदा गया वाला हिस्सा है यहाँ पर, मगर सबसे ज्यादा पानी इस गड़े में था। ये पूरा हिस्सा, ये भी हिस्सा ये मुहर्रम का है, ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। लड़के स्कूल से जाने के बाद उस टाकी पर, उस टाकी से सीधा एक रास्ता आता है जो इनके घरों को जाता है, घर इनका पीछे ही है बिल्कुल यहाँ से, और स्कूल इस तरफ स्कूल है लोग का। तो हम अभी जाके लड़कों के वालदैन से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके पूछेंगे कि आज जो पेरेंट्स मीटिंग में बात हुई वो क्या, आप लोगों ने क्या डिमांड रखी, आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने स्कूल के बारे में, स्कूल इंतजामिया के बारे में क्या बात कही। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन तीन लड़कों के वालदैन, और यहाँ पर है साथ में शोएब के वाली साहब और वालदा, यहाँ पर भी जो है अजहर और अरबाज के वालदा मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे उन लोग से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें पार्टी वालों से या सॉरी उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ इमदाद हासिल हुई है या नहीं। तो बात करेंगे भाई, जी ये हादसा हमको 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, तो 8 दिन के बाद कुछ किस्म की इमदाद आपको हासिल हुई? नहीं नहीं, तो कुछ भी नहीं, सब तो कुछ भी घर से कोई आता है मुलाकात? हाँ, पार्टी वाले तो बहुत आ रहे घर पे, सब नाम एप्लीकेशन लिख के लेके जा रहे, पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग आपको गवर्नमेंट से जो भी दिला सकते हो दिला देंगे, आपके बच्चों का नाम और आधार कार्ड फोटो जो भी हमको दे दो, हमारे से जितना हो सकता है उतना करेंगे, ये जिला से लेके चले जा रहे बस, और अभी तक तो कोई भी नहीं है, कोई पलट भी नहीं है अभी तक। यहाँ पर एक बात मैं जो पहले भी दोहरा चुका हूँ और अभी भी ये कह रहा हूँ कि महज इन माँ बाप के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, इन्हें एक झूठा वादा, एक झूठा सपना दिखाया जा रहा है। अगर कोई हेल्प करने वाला होता तो मौके पर ही उन्हें कुछ छोटी भी रकम क्यों ना होती वो उन्हें इनके हवाले कर देते।
महज यहाँ पर उनके माँ बाप के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, उनके जो जख्म है उनसे खुरेदा जा रहा है। आइए हम और बात करेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर की माँ हूँ। हर पार्टी वाला आके मिलके जा रहे, हम वो करते हम ये करते, दुनिया के लोग दुनिया वाले तो बोल रहे हैं तुम लोग पैसे मिले गते ना, 25 लाख मिले गते एक बच्चे को, 15 लाख मिले गते एक बच्चे को, 5 लाख मिले गते एक बच्चे को। अभी अभी एक वफा उठा रहा, एक बात उठा रहा, मगर कोई भी हमारे कोई मदद नहीं करे, कोई हेल्प नहीं करे, और आके हमारे जज्बातों से हमारे बच्चों की बातों पूछ पूछ के हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं। अगर कोई है गवर्नमेंट है, जिम्मेदारी किसी भी नहीं ले, कोई नहीं ले रहे, हमारे बच्चों की जान की अहमियत नहीं है लोगों के लिए, बच्चों की जान की अहमियत कोई अहमियत नहीं कर रहा। तीन बच्चे, एक नहीं दो नहीं तीन, तीनों की मामा है, तीनों के बच्चों की कोई अहमियत नहीं, बच्चों की जान की हमारे कोई कुछ मदद नहीं कर रहे। उनकी जान तो अनमोल है जान, उनकी कोई कीमत नहीं है मेरे बच्चों के जानों की, हम तीनों के बच्चों की भी जान की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है कीमत उनकी जिंदगी। अगर वो जीते तो दुनिया का कमाते, दुनिया का अच्छा रहते थे ऐशो आराम में। उनका कुछ तो मुआवजा देना गवर्नमेंट से, सरकार से तो देना, कोई नहीं देख रहे, कोई पलट के नहीं देख रहे। आज भी स्कूल में गए, पेरेंट मीटिंग बोले, एप्लीकेशन लिखे, जॉबों के वास्ते बोले, एप्लीकेशन लिखे दे दिए। अब वहाँ कलेक्टर जोन में भी गए थे, पीर के दिन फैसला होता, बोले पीर के दिन क्या फैसला होने वाला है क्या नहीं, आप लोग सब देखिए ये फैसला सुनिए, आप किसी की बात पे यकीन मत कीजिए, एक रुपया भी किसी के हाथ को नहीं लगा। अरबाज की माँ के हाथ को नहीं लगा, शोएब की माँ के हाथ को नहीं लगा, अजहर की माँ के हाथ को, किसी की तरफ से कुछ मदद नहीं हुई, कुछ भी नहीं। तीनों भी गरीब है, दुनिया की मुसीबत आफतों से कमा के खाने वाले है, तीनों भी मामा कुछ भी घरों के काम करने वाले है, काम करके जिंदगी गुजारे, माँ बाप दोनों कमाए तो बच्चे जी रहे। सुने की बच्चों की दुनिया की मुसीबत से बड़े करो सो है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, सरकार से मेरी गुजारिश है कि हमारे जो भी है आप अपने दिल में रहम है हमारे वास्ते, हमारे बच्चों की जान के वास्ते, जो भी है आप जल्दी से जल्दी फैसला करो। दुनिया के लोगों तो वो दे दिए ये दे दिए, बल्कि खाली बोल रहे, कोई कुछ नहीं दिया उनको। आप मदद करेंगे तो आप देना है तो आप फौरन दियो हमारे वास्ते, जो भी हो हमारे बच्चों को जान का मुआवजा, उनकी जान तो अनमोल है, मगर आप जो भी है आप लोग अच्छे मदद करने वाले, गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त है। यहाँ पर शोएब के वाले साहब बैठे हुए, तो आइए पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों भी हैं, तीनों लड़कों के वालद, दोनों के वालदा है और यहाँ पे वाले साहब भी है शोएब के। तो शोएब के वाले साहब आप काम क्या करते हैं? मैं रेलवे स्टेशन पे काम करता हूँ। तो महीने को कितनी तनख्वाह? मेरे को महीने में 7,000 तनख्वाह है। हाँ, तो गाड़ी मेंटेनेंस काम करते हैं, जो भी पानी पकड़ना या लाइट बंद करना जो भी मेंटेनेंस काम है वो काम करते हैं हम लोग। तो हमको सैलरी भी टाइम पे नहीं आता, वहाँ पे पेरोल में पेमेंट आता, 2 महीने में 3 महीने में पेमेंट आता, पर साथ ही होता, पर टाइम लगता, 3 महीने लगता। तो उस दौरान घर का खर्चा कैसा चलता है? घर का खर्चा भी हमारी वाइफ भी थोड़ा बाहर कर लेती है, तो उसकी वजह से थोड़ा घर चल जाता है, बाकी की बात तो मेरे पास जो भी कर्जा लेते हैं हम लोग वो हमारे पैसे से बांध देते हैं। तो 3 महीने में जो खर्चा होता है वो जैसे भी आपकी सैलरी आती है 3-4 महीने में खर्चों में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो बता रहे हैं कि ये रेलवे में मैनेजमेंट में काम करते हैं, वहाँ पर जो है 3-4 महीने में एक बार सैलरी मिलती है, वो भी मंथली 7,000 रुपये सैलरी, 200 चिल्लर रुपये कुछ एक दिन के होते हैं। हाँ, तो वो हिसाब से ये इनकी कमाई है। और आपका घर जाते हैं? यहाँ पे जो भाड़े पे घर जाते नहीं है, किराए से। ये तीनों भी जो यहाँ पर है, तीनों लड़कों के अफराद खानदान किराए के घर में मुखी नहीं, यहाँ पर इन्हें किसी किस्म की सहूलत दस्तियाब नहीं है। जी बाजी, आप क्यों शहर? मियाँ मेरे शोहर 2 महीने हो रहा बाहर गए, वो भी पूरा 1,00,000 रुपए खर्चा लेके गए। देखो मियाँ मेरे शोहर बहुत तकलीफ मुसीबत उठा रहे, किन्नर थे, बहुत तकलीफ उठा रहे, बोल के उन्होंने बच्चों के वास्ते गए, बच्चों के वास्ते गए उन्होंने, मगर ऐसा हादसा हुआ। देखो वो भी महीना महीना मिट्टिया बनना पड़ता, 6,000 मिट्टी महीने के दिन बनना पड़ता। ये यहाँ पे लड़की शोएब की बहन है, शोएब की बहन है। आप बेटे, आपका नाम? आप भैया की बात थे, आप जब प्राइवेट स्कूल आ गए थे दूसरे बात के साथ नहीं है तो आप पूछे नहीं गई घर में? हाँ, स्कूल में पूछे जी, नहीं है बोले, नहीं है बोले।
आप ये हादसे से जो गुजरे तो उसके हम तो कुछ भी बराबर नहीं कर सकते भाजी, बिल्कुल ऐसा थे इस बात का कि आपको क्या तकलीफ आप हो रही होगी, बहुत तकलीफ हो रही, तकलीफ तो कोई ये नहीं कर सकता, तकलीफ तो बहुत है। आपको किसी किस्म की हेल्प मिले कहीं की भी किस्म में हेल्प नहीं मिली, हमारी दुआ बांट लेनी रहा तो कोई नहीं बांट ले सक रहे हमारी दुआ, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे रहे से हमारा दिल का बोझ नहीं लेना तो बोझ तो कोई नहीं ले रहा, हमारे भी क्या भी थी क्या नहीं, तीन माँ पे वो हमारे तीन माँ कुछ मालूम नहीं की बच्चे हमें, वो तीन भी सहारा थे वो तीन बच्चे से, हम बहुत माँ ना जो उनके सहारा बच्चे थे वो तीन भी थे ना वो सहारा बच्चे थे वो। जी बाजी आपको कितने बच्चे थे? मेरे जो अभी 12 महीने से 6 बच्चे थे, मेरे को अभी 5 बच्चे है, छोटा है मेरा ये 7 महीने का है, वो बच्चा मेरा बहुत अच्छा बच्चा था, वो बच्चा मेरा स्कूल से खाना लाए थे, मैं बोलती थी मेरा बच्चा स्कूल से खाना ला के को खाना खिलाना, वो बच्चा मेरा हम लोग लकड़ी का चूल्हा हर जगह से हर जमीन मालूम नहीं कितनी गरीब है सो यहाँ से लकड़ी ला देते मेरा बच्चा भाड़ा बन के बहुत बोलते बहुत मुसीबत से मेरा बच्चा मुझे बहुत बोलते हर दुख में महसूस करता कि छोटा बल्कि सड़क करता था मेरे सहारा कि एक हाथ तुर के सड़ रहा था मेरा बच्चा चले गए उससे मेरे को सहारा था वो बच्चा उस इतनी थी बोल मेरे से बोलने को मुझे बात शहर क्या करते मेरे शहर हम ही काम करते कभी लाते 200-300 ऐसे लाते तो घर में खर्च होते मैं घर के काम को जाती बच्चे छोटे छोटे ले ले आप देख सकते हैं यहाँ पे गरीब खानदान मुस्तहिक खानदान गैर आबादी वाले इलाके में यहाँ पर आके बसे और ऐसे इलाकों में मौलम माफिया एक गड़े खोद कर बड़े बड़े गड़े 20-30 फीट 15-15 फीट गहरे गड़े खोद कर उसमें से मट्टी निकाल कर उन्हें खुला छोड़ दे के अब क्या कहें ये माँ बाप का दर्द कोई बांट नहीं सकता। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पे जख्म पे जख्म लेके जा रहे की कोई जख्म बांट ले रही नहीं थी मैं माँ का जी जख्म भी जख्म देके जा रही की हम देते हम वैसा कर दिया हम ऐसा करते बढ़िया लग देते बस लग देते बोले जख्म पे जख्म देके जा रहे जख्म बांट ले रही नहीं थी मैं माँ का तीन माँ कुछ मालूम की क्या बिक्री उनकी गलती नहीं स्कूल में से बच्चा है स्कूल में से बच्चा गया तो टीचर तो सारा को मालूम होना था की उनकी माँ भी इतना दे देंगे की इसको दे भेजेंगे की बच्चे ये तीनों के भी नहीं है ये तीनों की माँ ढूंढने हम तो निकल जाते थे सारा ने तो टीचर ने तो तीनों की माँ तो निकल जाते थे की हमारे को तीनों की माँ को क्या मालूम है की बच्चा स्कूल में है हर एक इंसान स्कूल के हर एक स्टाफ का पूरा पूरा जो जो स्टाफ है पूरा स्कूल का जिम्मेदार है और वो जो गड़े जो खोदे सो है जो भी उसकी कमाई कर लिया अल्लाह उसको तो अच्छा नहीं होता कमाई उसकी कर लिया उन्हें दूसरों की जान भी देखना था उन्हें जान की जिम्मेदारी उसकी थी जो उन्हें नहीं देखा उसको भी आखिरत में वैसा ही हुआ उन्हें भी जिम्मेदार है जो गड़े खोद के रख दिए उन्हें तो बहुत बड़ा है उसकी भी जिम्मेदारी है हाँ वो जो भी है लोग हैं उसके पीछे जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो जो गड़े मोहरम के गाड़ियों वाले जो है मोहरम के गाड़ियां चलाने वाले जो है जो शख्स उसके पीछे पीछे है उन सब के बारे में इंक्वायरी करना गवर्नमेंट इंक्वायरी करके उनके पास सख्त एक्शन लेना ये एक माँ की इल्तजा है ये अजहर की माँ की इल्तजा है ये मेरा बच्चा नहीं हर किसी के बच्चे कोई भी बच्चे जाके उसमें गिर सकते उसमें चले जा सकते किसी को पता भी नहीं लगता बच्चे आदमियां बड़े बड़े आदमियां तक जा सकते उसके अंदर उसमें 4-5 दिन पहले से एक ज़ईफ आदमी तक लड़की निकला था रहते 3 दिन के बाद इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिए वो घरों का अब ये 3 बच्चों की जान जाने के बाद एक्शन ले रहे वो घरों के ऊपर तो घरों पे एक्शन लेके मिटा के खामोश बैठना नहीं उसके पीछे कौन कौन है उनकी गफलत से आना ये उनके ऊपर भी सख्त एक्शन लेना मेरी है गुजारिश हमारा को कोई कुछ मदद नहीं कर रहा उल्टा हम लोग इतना पैसा खाए इतना पैसा मिला हमारे को टोच टोच के ये बात हमारे को पूछ पूछ के लेके जा रहे क्या हो रहा है ये 8 दिन से मेरे बच्चों को 8 दिन होने आज तक मेरे दरवाजे पे आके हमारे को टोच के देख रहे इन लोग का डर है के नहीं ये कहाँ का कानून है तुम्हारा ये कहाँ का जुलम है हमारे ऊपर हमने बोला था कि हमारे बच्चों को स्कूल में डाल सब माइक में बोलते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ प्राइवेट में नहीं पढ़ाओ हम लोग ने बोला था कि मेरे घर पे आके बोलने के लिए गवर्नमेंट किसके लिए बनाया गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं बनाया वोट किसने डाला हम लोग वोट नहीं डाला हम लोग वोट डाल के तुम लोग को लाए तो तुम इधर आए फिर हमारे साथ ऐसा करेंगे 8 दिन हुआ नहीं आज मेरे बच्चे अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं चला कोई खत में सीधे से नहीं लिखते कोई खत में सीधा नहीं लिखते
कोई टीवी वाला भी टीवी में बराबर नहीं दिखाते। आप बोलिए मैडम, आपको गलती मोदम की होना, मोदम की जो मोदम लेके उसका गलती है या स्कूल वालों का गलती? मेन बात तो अगर स्कूल के बाजू में मस्जिद है, अगर स्कूल से नहीं निकला होता बच्चा तो अभी जुम्मा की नमाज पढ़ता हूँ काफिर है वो, तो अभी बच्चे को अपन बोले तो वो बच्चा जाता मस्जिद में, तो देखना किसका जिम्मेदार है, आया मालो को देखना, प्रिंसिपल देखना, क्लास टीचर एक एक घंटे में क्लास बदली होते लोग के, एक एक घंटे में क्लास बदली होते, तो क्लास टीचर देखना। अभी तीन दो बच्चे, मेरा लड़का और इनका लड़का, तीन साल का लड़का तुम्हारा, तो तीसरी पार तो दोनों भी एक साथ पे नहीं दिखा, तो कोई बाजू वालों को बच्चों को पूछना ये गए के नहीं, नहीं तो हमारा फोन नंबर काहे के लिए रखे तुम लोग ने, हमारा फोन नंबर ले तो हमारे को फोन करके बता, नहीं तुम्हारे से होते हमारे को फोन करके पूछते तो हम लोग बोलते कि हाँ बाबा हमारा बच्चा घर पे आया। मेरी लड़की को बोल के गया मैं, आपा बोलते अपन दोनों साथ में खाना खा लेंगे, बोलते तुम जाओ ऊपर, बोलते मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तो बोली ना मेरी लड़की तो वापस तो आया कि नहीं स्कूल में, नहीं आया तो किसने किसका जिम्मेदारी हो कौन देखना? दो बजे तक हमेशा मैं वहां से गुजरती हूँ ना, हमेशा उसको ताला नहीं मार के रखते, बच्चे लोग को खुला छोड़ देते, तो किसकी वजह से खुला छोड़ते, वो कौन जिम्मेदार है उसका? वहां से छोड़े छोड़ो, इससे हमारे बच्चे का होने से हंसता पहला एक पांच दिन पहला एक अच्छा आदमी उसके गिर में मर गया, मेरे को तो मालूम नहीं, सब लोग बोल रहे उसके अंदर एक आदमी गिर गया, तब भी तुम लोग ने गवर्नमेंट वाला क्या किया? तब भी अगर बंद करता तो मेरा बच्चा चाहता भी तो उस पे नहीं गिरता था ना, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट वाला किया वो? अब भी हमारे होने के बाद भी उसमें और कितना चिंता हो सकता है उसमें, तो गवर्नमेंट वाला हमारे बारे में क्यों इतना पीछे हो रहा है? हमारे को मदद करना, हमारे को मदद करने के लिए गवर्नमेंट वाला, ये स्कूल वाला, मोरम वाला, मोरम खोदने के लिए तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, कितना जेने बड़े बड़े लोग कमा के खा ले, अपने बच्चे को रख लिए, हमारे बच्चों को हम नहीं रखने का, क्या रखे हमारे को? हमारा बच्चा पढ़ा हो तो लाखों लाख कमा के देता मेरे को, नहीं आई तो मेरे को रोड पे लेकर मेरे को जीना देता, मेरे आदमी को तो एक ही औलाद है, मेरे मेरे सास को भी मेरा आदमी अकेला है, अभी मैं कहाँ से लाऊंगी उनको औलाद? मेरे सब खानदान आए बम्बई से, उनके खानदान का चिराग चला गया, ये लाखों लाखों मेरे को ला के दे सकते है, वो नहीं भी कमाता मेरे घर में बड़े रहता वैसे ही। देख सकते नाज़रीन आप एक माँ की तकलीफ जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ उनके जख्म को खुरेदा जा रहा है, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है, उन्हें बार बार रोने पर, उनके बच्चों की याद दिलाने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, मगर उन्हें किसी किस्म की मदद नहीं मिल रही है। तो मैं तेलंगाना हुकूमत से खास तौर पर MLA साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो देकर इन तीन खानदानों की मदद करें, इनके घर बहुत ही गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, ये इनके घर में कुछ ज़्यादा कोई कमाने वाला नहीं, कमाई का जरिया ज़्यादा नहीं है, सब लेबर का काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, 200 से 250 बहुत हो गया, 300 रुपये। तो आप जो है सो मेरी गुजारिश है तेलंगाना हुकूमत से कि इनके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नादिन कराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक दो चार अफराद के इनसे हम बात करेंगे कि जो हादसा 8 रोज कल पेश आया, जो वो स्कूल इंतजाम में अच्छी गलती या फिर मोरम माफिया की गलती है, साहब जो ये 8 रोज कबल वाक़ पेश आया था जिसमें स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो स्कूल से दो के बाद निकल गए, फिर वापस स्कूल को नहीं आए ना ही घर गए, बल्कि उनके दूसरे दिन जो है हफ्ते के दिन वो लोगों की तीनों की लाश जो है एक पिछले स्कूल के पिछले हिस्से में एक पानी के घड़े में, तो उसमें जिम्मेदार कौन है, स्कूल जिम्मेदार है या मोरम माफिया? ये देखो पहली बात कि स्कूल वालों की गलती है, ठीक है, माँ बाप जो ऐसे भरोसे से स्कूल में जो छोड़ देते बच्चों को, छोड़ देने के बाद तो वो लोगों की लापरवाही के हिसाब से वो लोग बाहर निकल गए, क्योंकि बच्चों को जो है सो अगर संघ कोऑपरेट करे, IMA हो या स्कूल के सार हो या कोई भी जिम्मेदार, वो लोग बच्चे बाहर नहीं निकलते, ठीक है, ये होगा चलो एक जुम्मा था नमाज के लिए गए बोल के अगर बच्चे बोल रहे तो गए होंगे तो नमाज पढ़े होंगे, तो एक ही आए जहाँ पे मोरम, जहाँ पे जो इलीगल पहाड़ों को खोद के खड्डे कर दे रहे वहाँ पे पानी जमा हो गया, तो ये लाइन जो खोद के खड्डे कर दे रहे मोरम जो लेके जा रहे थे इलीगल के लिए, वो लोगों की गलती है, बच्चा है भाई, मासूम बच्चे, वो लोगों को क्या मालूम खड्डा है नाली है मोरी है, अपन बड़े लोग समझाए तो छुएंगा ना। और पहली बात
स्कूल से निकल के वो जगह पे गए गए और गए तो सात जगह पे बच्चों को एक ही डेड नहीं होता, वो बच्चों खड्डे में गिरने से बच्चों का इंतकाल हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है सो वो जो खड्डा जो करे मोरम जो लेके गए इलीगल, वो लोगों के ऊपर एक्शन देना सही रहेगा। किसी भी औलाद हों दो, छोटों की गरीब की औलाद हों दो या बड़ों की अमीर की औलाद हों दो, प्रॉपर तो सबको एक ही तरीके से करना चाहिए। और एक बात क्या है भाई पाशा, आप लोग मीडिया के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मीडिया बहुत गरीबों को और हर किसी को कॉपरेट करके, मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, सारी मीडिया का। और बोलना ये बता रहा हूँ कि हम जाके अगर मोहरम के लोगों को रोके तो हम पुलिस को भी इंफॉर्मेशन देते तो वो लोग बोलते आप लोग आगे को डरा के रोक रहे बोले, क्योंकि ये बच्चों का हादसा होने से हम लोग जाके रोक रहे, पुलिस की इंफॉर्मेशन दिए तो उन्होंने क्या बोलते कि हमारा है क्या ये, रिवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलिए, हमारा को बोलिए बोल के बोलते, ये गैर जरूरी हरकत कोई भी होंगे बच्चों को कॉपरेट करना। इससे पहले हमारे इब्राहिम नगर में भी यहाँ पर असद बाबा नगर के बाजू भी वहाँ पर भी मोहरम खींचा गया, तो वहाँ पर भी एक छोटी सी बच्ची मर गई और उसके भी लिए ख्याल करना। और जैसे समीरा हिल्स कॉलोनी में भी वहाँ पर नाना हजरत की दरगाह है वहाँ पर भी लैंड हो रहा साफ, वहाँ पर भी खड्डा कर दिए, वो लोगों को भी मैं आप मीडिया के जरिए से बात फैलाना चाह रहा हूँ। मैं जो भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो या एमआरओ हो या कोई भी हो पुलिस हो, खास करके कॉपरेट करिए क्योंकि बच्चों की जान बचाइए। बहुत शुक्रिया दादा जी आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हमारे नौ भाई साहब जो स्पीच दिए, इतने जानदार दिए, इतने बेहतरीन दिए, वो हमारे भी समझ में आ सकती, वो आपके भी समझ में आती है। लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ वो बच्चों मरे हैं जिम्मेदार थे, हमारा तो सहारा टूट गया, फिर हमारा सहारा कौन, इसके जिम्मेदार कौन, या कानून या एमआरओ या काउंसलर या लीडर, कौन जिम्मेदार इसका? हमारा अब हमारा कुछ हमारे हाथ से कुछ मेहनत वगैरह नहीं होती, लकड़ी का सहारा लेके धीरे। अब हमारा हथियार जो बच्चे है, तो बच्चे चले गए तो हम कैसा करें? तीन बच्चे एक साथ, तीन तीन बच्चे ब्रह्म नगर से बच्चे चले गए, इसके जिम्मेदार कौन? फिर ये मोरमा निकाल रहे हैं आप, तो भर्ती क्यों नहीं कर रहे? फिर ये खड्डे हो रहे, तो उसमें जिनके हमारे बच्चे चल जा रहे, तो उसके जिम्मेदार कौन है बताओ? हम क्या हमारा सारा खींच लेंगे ऐसा खड्डे जहाँ बोले वहाँ करके? सबसे ज़्यादा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़े किनारा है, जो कानून भी है, तो सारा जो है काफ़ी कर कर हमारे ज़रा मेहरबानी करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम से आगे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर और कुछ मेरे साथ अपराध है, हम उनसे भी जानकारी लेंगे, उनकी राय इस बारे में क्या है। यहाँ पर जो आज वो कम जो हादसा पेश आया नागावा में, इसमें तीन मासूम लड़के घरसाप हो गए, पानी के बड़े गड़े में मोरम जिसको ले जाया गया, बारिश पानी जमा गया, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सब, पहली बात तो स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों को जो है ना अच्छी तरीके से कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या है क्या नहीं, तो फिर एक दूसरी बात क्या है, जब स्कूल बंद करने के बाद में जब बैग थे, इसके बाग हैं, उनके नामा क्या है, उसके अंदर बुक्स देख के उनके नामा निकाल के उनके घर के अपराध को कॉल करके बैग यहाँ पे है, फिर बच्चे कहाँ पे है नहीं आए घर को इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तीसरी बात, जो गड़ा वो लीगल है इलीगल है डजेंट मैटर, समझ जो प्रोसेस है, जिस तरीके से कोई मुहरम का काम चल रहा लीगली चल रहा होगा, उसके बाद जैसा काम हो गया उसको बाद में क्या करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, नहीं मिटाए तो फिर आपकी कौन जिम्मेदार है, जवाब कौन देंगे? बच्चे किसके हैं? हो सकते अपने बच्चे भी कहते कौन सा भी काम चाहे प्रोसेस सही होना चाहिए। आज तीन बच्चों की जान चले गई, किसकी जान दे के ले के आते वापस? माँ बाप का दिल जल रहा, घर जल गया, उनके आर्जुआ ख़त्म हो गए, कहीं आऊँगा नेग्लिजेंट कब तक, लापरवाही कब तक करेंगे? लापरवाही करो भाई, जो भी काम कर रहे हैं आप लोग करो, लेकिन प्रोसेस के तहत अंजाम भी दो, बस मैं इतना ही। भाई आपकी इस बारे में क्या है? मेरी राय तो ये है, सिटी के अपराध के मोरम आपका रोना है, ये बिजनेस बना लिए, कम से कम सिटी के राउंड ऑफ में 10 किलोमीटर दूर पे मोरम का कारोबार चलना चाहिए,
इसके बारे में हुकूमत हो या कलेक्टर साहब को परमिशन मिले, ये गलत है। सी डी के बिल्कुल अनकरीब जो है मोरम का जो कारोबार चल रहा, बेच रहे ये लोग खुदम खादी कर रहे, बच्चे हैं। आज ये बच्चा मरा, कल और कोई बच्चा मरता, इसके ऊपर इसी तरह अगर चलेंगे तो गलत है। अच्छा है, सियासत लोग रुंद हो या इसमें चाहे और लोग रुंद हो, ये गलत है। फिलहाल भाई आप क्या बोलते बारे में? ये तो मामला बहुत गलत हुआ, सो इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, मोरे माफिया जो है इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और इसमें थोड़े पॉलिटिकल जो रोल है लोग है वो भी शामिल है इसमें। और गाड़ियाँ यहाँ से बाबूचा मार्के स्कूल जा रहे हैं वो भूल नहीं सकते, यहाँ स्कूल फिरेगा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते रहते हैं, बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर, कोई भी स्कूल देखने वाले। तो नादरीन इकराम, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम स्कूल का भी जायजा लिए, स्कूल वालों से भी बात करें, उसके बाद जो है तो हम आपको उस मकान पर ले गए जहाँ लड़कों की नाश जो क्या हुई थी, उसके बाद हमने लड़कों के अपराध खानदान से भी बात की, उनके वालदेन से बात की, उसके बाद हमने पब्लिक की राय जानी, जिसमें पब्लिक अवाम बेतहाशा गुस्से में है मोहरम माफिया के ऊपर। हालांकि स्कूल की भी गलती है इसमें, स्कूल की वालों की भी जो है सो इसमें गलती रहने की बात भी, मोहरम पे सबसे ज़्यादा मोहरम माफिया, क्योंकि जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोदने के बावजूद उसे खुला छोड़ देती है, उसे मिटा देने की यहाँ के अवाम ने बात की। और उसके ऊपर मोहरम माफिया में जो जो भी इन्वॉल्व है, जो पॉलिटिकल लीडर या जो भी शख्सियत है इसमें इन्वॉल्व है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की यहाँ के अवाम का मुतालबा है। हमारी तेलंगाना हुकूमत से अपील है कि उन तीनों लड़कों के वालदेन को, तीनों लड़कों के खानदान को माली तौर पर एक्सग्रेशिया प्रणाम करें, जल्द अज जल्द प्रणाम करें, क्योंकि बहुत मुस्तैद बहुत गरीब लोग हैं, बेगबस लोग हैं, और उनसे जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो लीडर थोड़ा बाहर आ जाए, क्योंकि ये हादसा आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं कबीर इकबाल मोहम्मद शरीफ रिपोर्टर के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।